हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वन वे स्लैब की जो एनफोर्समेंट डिटेल है वो आज के वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा वन वे स्लैब जो अभी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर कंक्रीटिंग होने वाला है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसे बोला जाता है बेंटअप बार। दोस्तों ये बेंटअप बार जो होता है वो जनरली एल बाई फोर पर बेंटअप होता है, जहाँ पे वॉल होती है या फिर कॉलम का जो सेंटर होता है वहाँ से एल बाई फोर पर इसे बेंड किया जाता है और ये अल्टरनेट बेंटअप होता है। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेट बेंटअप मतलब एक बेंट होगा और एक तरफ एक बेंट होगा तो दूसरी तरफ दूसरा बेंट होगा, जो आप वीडियो के अंदर देख सकते हो कि एक साइड पे बेंट है तो दूसरा दूसरे साइड पे यहाँ पे बेंट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा, दोस्तों ये जंक्शन है हमारा कॉलम और बीम का। ठीक है, देख सकते हैं कि कॉलम और बीम में जंक्शन में किस तरह से जो स्टील है उसे बांधा जाता है, एक के ऊपर एक दूसरे मतलब ओवरलैप किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम बीम का जंक्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से रेनफोर्समेंट यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, ये सारे बेंटअप बार जहाँ से ये हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको कुछ देखने मिलेगा। देखिए एक बेंटअप है और एक स्ट्रेट है, एक बेंटअप है और एक स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और देखिए यहाँ पे बीम के अंदर भी एक बेंटअप बार डाला जाता है सेंटर के अंदर, ठीक है, जो आपने देखा अभी। तो ये सारा जो आप देख सकते हैं इस तरह से रेनफोर्समेंट जो दोस्तों वन वे स्लैब का किया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये जो जगह है, ये वाली जो खाली जगह है वो दोस्तों डक्ट छोड़ा गया है इसके अंदर। ठीक है, जो बार डब्ल्यूसी के लिए डक्ट, वेंटिलेशन के लिए डक्ट छोड़ा जाता है, वो वहाँ पर एक डक्ट छोड़ा गया था। ठीक है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो डक्ट है दोस्तों 4x2 फीट का डक्ट है यहाँ पर छोड़ा गया है। ठीक है, और एनफोर्समेंट कवर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो भी अपने स्टील लगाया उसको अच्छे से कवर देना ज़रूरी है। बट दोस्तों अगर कई बार नहीं मिलता था तो ज़रूर कॉन्ट्रैक्टर को फोर्स कीजिए कि वो एनफोर्समेंट को कवर दे, क्योंकि एक भी स्टील आपका बाहर रह जाता है तो उससे दोस्तों कोरोजन पूरे हमारा जो एनफोर्समेंट है स्लैब के अंदर चला जाएगा और आपका स्लैब जो है कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ये है दोस्तों बेंटअप बार जो सेंटर में, मैंने बोला कि बीम के सेंटर में भी एक बेंटअप बार प्रोवाइड किया जाता है, तो ये है वो बेंटअप बार। ठीक है दोस्तों, अब रेनफोर्समेंट हमने चेक कर लिया है एज ए इंजीनियर। अब दोस्तों उसका जो कास्टिंग है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए उसका कास्टिंग चल रहा है, कंक्रीटिंग हो रहा है। ठीक है, देखिए 4.5 इंच की जो कंक्रीट की लेयर है यहाँ पे बिछ चुकी है। कॉलम के स्टील जो आपको दिख रहे हैं वो बाहर आपको दिख रहे होंगे। और अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइब्रेटर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वाइब्रेटर का अगर आप स्लैब भरोगे तो वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। ठीक है, तो वाइब्रेटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बिना वाइब्रेटर के कभी काम मत कीजिए। वाइब्रेटर देखिए इस तरह से आपको लगाना है। स्लैब की जड़ाई मतलब थिकनेस ज़्यादा नहीं होती तो हमें उसको फ्लैट करके लगाएंगे तो ये अच्छे से दोस्तों वो हमारा जो कॉन्क्रीट है उसको कॉम्पैक्ट कर पाएगा।